हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी आपको इंडिपेंडेंस डे स्पेशल आईज मेकअप, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार दिखने वाला है, जैसे कि आप इस वक्त पिक में देख रहे हैं। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी वीडियो को। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि मैंने सबसे पहले अपनी आँख पर आई बेस यूज़ किया है, जो कि शेड नंबर FS38 है। और अगर आपके पास कोई आई बेस नहीं है तो उसकी जगह आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने एक बेहतरीन फेस बेस बनाया हुआ है, आई मीन टू से फाउंडेशन का अगर आपने बेस बनाया हुआ है विद कंसीलर, तो ये भी आपके लिए एक ठीक ऑप्शन है। और अब मैं बहुत ही अच्छे से अपने इस बेस को अप्लाई करूँगी। ज़रूरत पड़ने पर मैं मेकअप ब्रश का भी यूज़ करूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं अपने इस बेस को सेट कर लेती हूँ विद कॉम्पैक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। मैंने अपना बेस सेट कर दिया है। अब मैं एक बेज कलर में, स्किन कलर बोल सकते हो आप या लाइट ब्राउन बोल सकते हो, ये मेरा शेड नंबर, ये मैंने हुडा की किट से लिया है, जो कि मेरा शेड नंबर 35 है। और मैं अपने सारे प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी विद नेम। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। तो ये मैंने लगा लिया अपना बेज कलर, जो कि मेरी हुडा पैलेट से था। नेक्स्ट शेड जो है वो मेरा ऑरेंज कलर है, जो कि मैंने मॉर्फी की अपनी आई शेडो पैलेट से लिया है। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, प्रोडक्ट का नेम, सॉरी लिंक नहीं। तो ये ऑरेंज कलर को मैं एक फ्लो में लगाऊंगी, जो कि एक लहराता हुआ फ्लो दिखेगा आपको, इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है ऑरेंज कलर है फ्रेंड्स ये। लेकिन अगर आपको वीडियो में लाइटिंग की वजह से ये थोड़ा रेड रेड सा दिख रहा होगा, एक्चुअली मुझे ना अपनी आईज़ पर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मेकअप करना है, जिसमें मैं तिरंगे का शेप देने वाली हूँ, हमारा नेशनल फ्लैग जिसमें सबसे ऊपर होता है हमारा ऑरेंज कलर। तो सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर को इंडिकेट करूँगी अच्छे से, और एक फ्लो में मैं अपनी बात रिपीट करूँगी, एक फ्लो में मैं बना रही हूँ लहराता हुआ सा, मुझे आई शेडो लगाना है। और अब मेरा नेक्स्ट शेड जो होगा वो ग्रीन कलर है, जो कि मेरी मॉर्फी की ही सेम पैलेट से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों ही शेड को मैंने एक छोटा सा बीच में जगह छोड़ते हुए आपस में मिला दिया है, जैसा कि आप देख रहे हो। काफ़ी अच्छे से मैंने इसे लगाया है, मर्ज करना है आपस में, दोनों को ब्लेंड कीजिए इजीली। और जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हो, तो ग्रीन शेड को भी मैंने अप्लाई कर लिया है। ये है मेरा मॉर्फी की ही सेम पैलेट से मैंने वाइट कलर लिया है, तो जिसको मैं मिडिल में लगाऊंगी। बहुत अच्छे से आपको लगाना है, और डैब डैब करते हुए मैं इसे लगाऊंगी एंड मर्ज करूंगी इन तीनों कलर को आपस में, एक ब्यूटीफुल सा शेड देने के लिए। और तीनों ही कलर आपस में अलग अलग से दिखेंगे आपको। फ्रेंड्स, अब ये मेरी ग्लिटर वाली जो आई शेड में ग्रीन कलर की आपको दिखाई है, आपको शायद इतना ना महसूस हो, पर ये ग्लिटर वाली ही आई शेडो है, जो कि मैंने अपनी हुडा की किट से ली है। हुडा आई शेडो पैलेट है जो मेरी, तो मैंने ऑलरेडी ऑरेंज पर लगा दी है, जो कि कैमरा ऑफ होने की वजह से नहीं दिख पाई मैं आपको। मैं दोबारा से वही प्रोसेस कर रही हूँ, और मैंने ये आपके लिए दोबारा से ऑरेंज ग्लिटर ऑरेंज कलर लगाया है। मैं अपनी बात रिपीट करूँगी, जो कि हुडा की पैलेट से है। मैं सभी मेकअप प्रोडक्ट्स के नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर छोड़ूंगी।
आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया कीजिए। आप सभी के लिए मैं प्रोडक्ट के नेम वहीं छोड़ देती हूँ। मिडिल में मैंने वही अपनी हुडा की पैलेट से लगाया है, ग्लिटर शाइन वाला वाइट कलर का आई शेडो। और मैंने अपने इनर कॉर्नर पर ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ अपना वाइट शेड, जो कि आपको थोड़ा शाइनी भी दिख रहा होगा। दूसरी तरफ मैंने सेम मेकअप अप्लाई कर लिया है। आप देख रहे हो कि मैंने लाइनर लगा रही हूँ, जो कि हमारा ML का है। मैं विंग लाइनर लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपकी आईज़ काफ़ी सुंदर हैं, तो मेरी आईज़ पर ये काफ़ी सूट भी करता है। फ्रेंड्स याद रखिए, अगर आपकी आईज़ पर विंग लाइनर सूट नहीं करता तो प्लीज़ आप इसे कैरी ना करें, और अपना मैनुअल लाइनर यूज़ करना बेहतर समझिए, क्योंकि जैसी हमारी आँख की शेप होती है, अगर हम वैसा ही लाइनर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। यदि आपका शेप थोड़ा बड़ा है और मुझ पर विंग लाइनर सूट भी करता है, तो मैं ऑलवेज़ एज़ यूजुअल पसंद करती हूँ विंग लाइनर लगाना। मैंने सेम प्रोसेस अपनी दूसरी आईज़ पर भी अप्लाई कर लिया है, मैंने विंग लाइनर दूसरी ओर भी लगा लिया है। और अब मैं काजल अप्लाई करूँगी, जो कि मेरा लैक्मी एब्सोल्यूट का काजल है, और अच्छी फिनिश देता है ये भी मुझे, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिश देता है। और आप लोग जैसा कि फ्रेंड देख रहे हो कि मेरे आईलैशेस काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे फॉल्स आईलैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं अपनी वीडियो में बहुत कम ही फॉल्स आईलैशेस आप लोगों को दिखाती भी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको फॉल्स आईलैशेस भी दिखाऊंगी, क्योंकि कई लोगों की मेरे पास ये डिमांड होती है कि मैम आप फॉल्स आईलैशेस अपने मेकअप पर यूज़ करके क्यों नहीं दिखाती हो, तो आज वो शिकायत भी मैं अपनी इस वीडियो में दूर कर दूंगी। ये देखिए फॉल्स आईलैशेस, जो कि मेरी साइज़ नंबर 03 है आई थिंक, मैंने उसे भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। अब मैं मस्कारा यूज़ करूंगी, बहुत शानदार मेकअप लग रहा है, आप भी इसे कैरी कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, अपनी आईज़ के ऊपर, और एक ब्यूटीफुल इवेंट को अगर आप ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो, और वो अपने आप को भी अगर आप ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, तो इस ब्यूटीफुल सी आईज़ मेकअप को ज़रूर अप्लाई कीजिए, कैरी कीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। तो मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है, अब मैं लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करूँगी अपना मस्कारा। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, अगर आप भी चाहते हो फॉल्स आईलैशेस कैसे लगाते हैं, तो वो मेरी एक वीडियो है, मैं इस पर ऑलरेडी एक इंडिविजुअल वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर लीजिएगा, और मैं इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हो कितना शानदार लुक आ रहा है, इस पिक में भी आप देख सकते हो साइड से, काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर लिया है मैंने।
फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल जो मेरा ये आईज मेकअप था, अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको किसी एक्ट्रेस से रिलेटेड मेकअप चाहिए, आईज मेकअप, तो आप वो मुझे डिस्क्रिप्शन सॉरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दिया करें, ताकि उससे रिलेटेड शायद मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अब मैं अपने लोअर लैश लाइन में ब्लैक आई शेडो का लॉक कर रही हूँ, ताकि इसे एक ब्यूटीफुल सा लुक आ जाए और काफ़ी शानदार दिखे हमारी आईज मेकअप। तो ये मैंने लोअर लैश लाइन में अपनी आई शेडो यूज़ अप्लाई कर ली है। मैं थोड़ा सा अपना आई अपने थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो। तो फ्रेंड्स, अलविदा लेती हूँ मैं अपनी इस वीडियो के साथ, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़। अलविदा लेती हूँ मैं अपनी।